रेसलिंग में भारत के रवि दहिया से आज गोल्ड की उम्मीद। शाम करीब 4:30 बजे रूसी पहलवान जाबूर गुवेव से भिड़ेंगे रवि दहिया। रवि की मां बोली, बेटा मेडल लेकर घर लौटेगा तो चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत। रवि दहिया को सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम ने बुरी तरह काटा, बाजू में गढ़ाए दांत। दहिया ने दर्द सहते हुए भी धूल चटाकर मैच जीता और फाइनल में पहुंचे। कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में हारे दीपक पुनिया से देश को अब ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद। 86 किलो वर्ग में दीपक आज शाम 4:45 बजे से मैच। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। पीएम मोदी ने दी लवलीना को बधाई। ओलंपिक में गोल्ड जीतने से चूकी लवलीना ने एबीपी न्यूज से कहा, जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाई, मैं बेहतर कर सकती थी फिर भी देश के लिए कांस्य हासिल कर सकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज के लिए कल ब्रिटेन से भिड़ेगी सेमीफाइनल में। अर्जेंटीना से मिली हार, पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा, निराश नहीं होना चाहिए। ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का अपने शहर हैदराबाद में हुआ भव्य स्वागत, आरती और तिलक किया गया। सिंधु बोली, 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना गर्व की बात। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी। ओलंपिक के दौरान कोच की मदद नहीं लेने पर फेडरेशन को 10 दिन में देना होगा जवाब। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ राहत और बचाव में जुटी है सेना। एमपी के दतिया में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद ही फंस गए। पहले लोगों को और फिर नरोत्तम मिश्रा को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। एमपी में बाढ़ और बारिश से अब तक 58 लोगों की मौत। 6 जिलों शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएम शिवराज ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। एमपी में बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 73 टीमों के साथ सेना और एयरफोर्स के जवान मदद में जुटे। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ के बीच से निकाला गया। एमपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में हुई बैठक में भी बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। सीएम शिवराज भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान। बंगाल के हुगली हावड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम ममता बनर्जी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बंगाल में बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता से बात कर प्रभावित इलाकों की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का आज 1 साल पूरा। सीएम योगी अयोध्या में विशेष आयोजन में शामिल होंगे, रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी। आज लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। 22 में बाइसाइकिल का नारा करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता गाने के जरिए समर्थकों को रिझाते दिखे।
बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज सीतापुर और लखीमपुर में होगा। मायावती ने कहा घबराई बीजेपी और योगी सरकार, बीएसपी के सम्मेलनों को रोकने में जुटी। सतीश चंद्र मिश्रा बोले ब्राह्मणों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी में दरार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से राजभर की मुलाकात के बाद भड़की एआईएमआईएम। कहा राजभर से बीजेपी की बू आती है, हमारी पार्टी और नेता का अपमान हुआ। कांग्रेस 9 अगस्त से किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के अलावा एसपी बीएसपी को भी घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ मॉडल की ट्रेनिंग ले रहे यूपी कांग्रेस के दल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। आज भी हंगामे के आसार। राज्यसभा में हंगामे पर टीएमसी के 6 सांसद कल पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किए गए। संसद भवन के बाहर अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर और कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के बीच हुई तीखी बहस। दोनों ने एक दूसरे को किसानों का विरोधी कहा। रवनीत बोली 3 नए कृषि कानून अकाली दल के समर्थन से ही संसद में हुए थे पास। पेगासस जासूसी कांड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई। इसी मामले की जांच को लेकर संसद में जारी है हंगामा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कोई सवाल है तो मंत्रियों से पूछें, अधिकारियों के साथ सीधी बैठक, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। कहा अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा काम पीएम मोदी ने किया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। कहा पीएम बनने की फिराक में है नीतीश कुमार, एनडीए से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। रविवार को हुई वारदात में शमशान घाट के पुजारी समेत 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली में बच्ची की मौत पर तेज होती सियासत। कल पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने पूछा राजस्थान और पंजाब में रेप के मामलों पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी। दिल्ली में बच्ची की मौत मामले में राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया से राहुल के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल के ट्वीट में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर हुई थी। देश में फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 42,625 नए केस मिले, 562 संक्रमितों की मौत। देश में एक्टिव केस अभी 4,00,000 से ज्यादा। केरल में फिर 20,000 से ज्यादा नए केस। पिछले 24 घंटे में 23,676 नए मामले सामने आए, 148 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही से बिगड़े हालात। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के रेट घटे, अब 800 की बजाय 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर से सैंपल लेने जाएगी टीम तो देने होंगे 1200 की बजाय सिर्फ 700 रुपए। रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 रुपए में होगा। हिमाचल सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए एक बार फिर से आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य किया। लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट या फिर दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका। शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम की जमानत याचिका खारिज की। रेप के मामलों में पीड़िता को अब मिलेगा जल्द न्याय। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दी। लोकसभा में सरकार ने बताया आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने पर हो रहा है विचार। चुनाव आयोग से सुझाव के बाद वोट डालने के लिए आधार को जरूरी किया जाएगा। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने पर रोक लगाने का मकसद है। देश में गन्ना किसानों के बकाए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और यूपी महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। एक पूर्व सांसद ने जनहित याचिका दाखिल की थी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दो साल पूरे, सुबह 8 बजे जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का तिरंगा मैराथन, सुबह 9:30 बजे शिवसेना तिरंगा रैली निकालेगी, कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त। जम्मू में आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया, सुबह 11:30 बजे पीडीपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। असम और मिजोरम के बीच शांति बनाए रखने के लिए असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आज असम सरकार के दो मंत्री मिजोरम जाएंगे। बिहार से आई अस्पताल की बदहाली की तस्वीर, सहरसा में सांप के काटने के बाद लाए गए बच्चे का मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से हुआ इलाज, अधिकारी बोले जनरेटर के लिए भी डीजल नहीं था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क के गड्ढों के खिलाफ गाना गाकर संदेश, जनता से लॉलीपॉप राजनीति से बचने और सोच समझकर वोट देने की अपील के साथ चलाई गई विशेष मुहिम। समंदर में और बड़ी भारत की ताकत, देश के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल शुरू, नौसेना ने देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव बढ़ाने वाला दिन बताया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गीतकार गुलजार को डीलिट मानस उपाधि देगी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 23 सितंबर को दीक्षांत समारोह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।